ये कहा जाता है यशवंत कि 2017 में जब बीजेपी आई तो मतलब एक रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने किया, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट लीडर्स को, उन्होंने कुर्मीज को, मौर्यास को, शाक्यास को, कुशवाहास को, राजभर्स को उन्होंने अपनी पार्टी में लाया। उन्होंने और समाजवादी पार्टी के ओबीसी बेस पे डेंट मार के दैट इज व्हाट लेड टू दैट रिजाउंडिंग बीजेपी विक्ट्री। दैट इज व्हाट आई हैड अंडरस्टूड यू नो फ्रॉम द 2017 रिजल्ट्स। आर यू सेइंग दैट द एग्जिट्स ऑफ द मेनी ऑफ दीज ओबीसी फेसेस फ्रॉम the Yogi government just ahead of the elections is not going to make an impact? It will make an impact. I'm not saying it will not make an impact. All I am saying is that the impact might be way more localized than the way we are looking at it or being analyzed, that it might have a pan region or pan UP impact. That is something which is not going to happen, Aditi, because ye sare neta jo hain, ये दरअसल एक बात तो ये समझिए कि जनरली थोड़ी सी अपने यहाँ पे मीडिया में एक आदत होती है, कोई एक नेता होता है, मान लिया जाता है कि उसकी जाति के 100% वोट उसको मिलेंगे। अरे 100% यादव मतदाता तो मुलायम सिंह जी को नहीं पड़ते, 100% लोग तो कल्याण सिंह को नहीं पड़े, या फॉर दैट मैटर 100% जाट कभी चौधरी चरण सिंह तक को नहीं पड़े। तो फॉरगेट अबाउट द एंटायर लॉक वोट्स गोइंग लॉक स्टॉक एंड बैरल विद देम। नंबर वन, दीज लीडर्स जिनका मैंने नाम लिया, ये लोग फिर भी पैन यूपी या पैन रीजन नेता थे। जिन नेताओं की अभी जाने की बात हो रही है, इनमें से पैन यूपी तो छोड़िए, इनमें से कोई पैन रीजन नेता भी नहीं है। इन सब के अपने पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, वो पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस 1, 2, 3 जिले तक सीमित है। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी एक नेता का जाने, ओम प्रकाश राजभर भी पूरे राजभरों के नेता है पूरे यूपी में, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इलेक्टोरली स्पीकिंग ये लोग अभी तक इस बात को लेकर के प्रूवन इलेक्टोरली प्रूव नहीं हुए हैं। इलेक्टोरली प्रूवन दो ही पार्टी हैं जो कास्ट बेस्ड ड्रिवन पार्टी है, दैट वन इज द कुर्मी बेस्ड पार्टी ऑफ अपना दल एंड अदर इज द जाट बेस्ड पार्टी ऑफ आरएलडी। बाकी पार्टियां अभी इलेक्टोरली प्रूवन पार्टीज नहीं है वैसे। हाँ, बीजेपी के लिए संकट क्या होगा वो मैं बताता हूँ। जब मैंने ये बात बोल दी, मैं दूसरी साइड की बात उतना ही आपको उससे बताता हूँ। देखिए, जब जब कोई नेता 1, 2, 3 जिले का ही होता है तो वो उतना बड़ा सिरदर्द नहीं है, लेकिन अगर 4-5 नेता आपके उस तरीके के 2, 2, 3, 3 जिले वाले जाए तो आपका क्यूमुलेटिव सिरदर्द 10 से 15 जिलों का हो जाता है। तो बीजेपी के लिए समस्या वो है, और वो कुछ ऐसा इंजीनियरिंग हो गई है कि वो 10 से 15 जिले इस समय मूल रूप से पूर्वांचल में आ रहे हैं। सो दैट पूर्वांचल इटसेल्फ हैज बिकम अ हॉटबेड ऑफ ऑल दोज लीडर्स हु आर लीविंग द बीजेपी एंड गोइंग टू द एसपी राइट नाउ। दैट इज वेयर बीजेपी'स प्रॉब्लम इज। बट दीज आर दीज लीडर्स पैन state of pan region caste leaders that they will take their vote bank along with them, that is unlikely to happen, that is not going to happen. Okay, let me get in Manisha Priyam on this. Manisha, your take, would you agree with Yashwant as far as this is concerned? Is this going to be again an election where people are going to be voting for Modi and Yogi? I disagree both with the framing of your question and the views of my esteemed panelists and dear friend Yashwant Deshmukh ji. I do believe that the politics of a region, politics of an ilaka, has to be seen differently than whatever pan or mega images we may very much want to have for a polity, for a nation. India's society, Rabindranath Tagore very eminently used the word samaj always for the society in India. And that samaj has a regional existence. Remember, assembly constituencies are not equal to ilakas. And let me tell you that one of the important politics that the BJP has played very well is that of aligning the Kurmi Koiri coalition. Forget Purvanchal, all of Jharkhand, all of Bihar, what we see as the non-Yadav OBC consolidation has once again ridden on the back of certain castes. And that consolidation is extremely local, but that local is not about UP and it's not about a few districts. Always remember, in Jharkhand, when the BJP has been in power, it's relied on the support of the AJSU Sudesh Mahato. The Mahatos there are equivalent to the Kurmis. In Bihar, for example,
I would not like to name the caste, but I have to, of Shri Nitish Kumar ji or RCP, who are both important leaders, but they're also Koiris. But they've also got the support of the Kushwahas using various surnames, right from Kushwaha to Verma. And last time around, when the BJP did not do well in phase one of the Bihar polls, an important reason was that the Kushwahas were very upset with the ticket distribution, Chandravanshis, as they call themselves. Now, there is, if you can see, if it was not important, then why would Mayawati have aligned with the Kushwahas to get to power with a single majority when she did before Akhilesh Yadav? Remember the NRHM scam? Remember the sacking of Babulal Kushwaha and how that affects and begins to spell the downslide for Mayawati, the exit of Swami Prasad Maurya, why the BJP has had to have two deputy chief ministers. So yes, Narendra Modi has been important, but it's also been important to stitch together a caste alliance, which has its existence in eastern UP, but also in parts of Bihar and Jharkhand.